हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज केराटोकोनस। सो केराटोकोनस या कॉर्नियल एक्टेजिया भी हम इसको बोलते हैं, एक्टेजिया ऑफ कॉर्निया। तो एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि केराटोकोनस या कॉर्नियल एक्टेजिया का मतलब क्या है। पहले अगर आप नॉर्मल कॉर्निया देखो तो नॉर्मल जो आपका कॉर्निया है वो राउंडेड है, स्फेरिकल है, राइट। और अगर आप इसकी स्लिट बना के देखो, स्लिट लैंप पे, तो ऊपर से लेके नीचे तक ये जो स्लिट की विड्थ है, अगर हम ऐसे करके स्लिट बनाए तो ये स्लिट की जो विड्थ है ऊपर से लेके नीचे तक, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट, तो ये बिल्कुल रेगुलर है। इसकी जो थिकनेस है वो ऊपर, मिडल में और नीचे में बिल्कुल रेगुलर है। और अगर आप इस स्लिट को लेफ्ट से लेके राइट तक पूरे कॉर्निया के ऊपर स्कैन करोगे स्लिट लैंप पे, तो भी ये स्लिट जो है ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल रेगुलर होगी सभी जगह पर। सभी जगह पर ये जो स्लिट है वो रेगुलर विड्थ की होगी, ऊपर भी, मिडल पार्ट में भी, लोअर पार्ट में भी, लिटरली एवरीवेयर ये जो स्लिट है नॉर्मल कॉर्निया में बिल्कुल रेगुलर थिकनेस की होगी। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड के केराटोकोनस या सिंपली कॉर्निकल कॉर्निया या कॉर्नियल एक्टेजिया बेसिकली क्या है। तो अगर हम इसका कारण जानने की कोशिश करें, इटियोलॉजी, तो ये जो पैथोलॉजी है, ये जो कंडीशन है, ये भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। सो यस, इट इज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। तो जिसको भी केराटोकोनस होगा उसमें कुछ हद तक जेनेटिक्स का या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जरूर रहेगी, जिसमें आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न भी हो सकता है इनहेरिटेंस का, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न भी हो सकता है इनहेरिटेंस का। इसके अलावा देखा गया है कि जो कॉर्निया के कोलेजन की सिंथेसिस या फॉर्मेशन में जीन्स इन्वॉल्व हैं, तो एक जीन है लॉक्स, LOX, तो ये जो जीन है ये लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए होता है, लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि कॉर्निया की नॉर्मल कोलेजन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। सो देर इज सम प्रॉब्लम या एनोमली इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन कॉल्ड लॉक्स जीन। और एक जीन और है, अगर आप उसका नाम याद रखना चाहें, दैट इज ZNF439, तो ये भी एक जीन का नाम है जिसकी प्रॉब्लम की वजह से आपके पास थिन और ब्रिटल कॉर्निया हो जाता है। सो यू हैव अ थिन फ्रेजाइल एंड ब्रिटल कॉर्निया। तो ये देखा गया है कि केराटोकोनस जो है जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड बच्चों में होता है, और केराटोकोनस जो है इट हैज बीन सीन के कुछ कंडीशंस जैसे के डाउन सिंड्रोम। सो केराटोकोनस जो है डाउन सिंड्रोम में हो सकता है, केराटोकोनस जो है वो इवन मार्फन सिंड्रोम में भी हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम में केराटोकोनस जो है वो माइट्रल वेल्व डिजीज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, माइट्रल वेल्व डिजीज के साथ। और इसके अलावा केराटोकोनस जो है वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ भी एसोसिएटेड होता है, और इसके अलावा केराटोकोनस जो है वो कोलेजन वास्कुलर डिजीजेस के साथ भी एसोसिएटेड है। तो ये सब जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड पैथोलॉजीज या कंडीशन हैं जिसमें हम केराटोकोनस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि एक्वायर फैक्टर्स की बात करें, तो इट हैज बीन सीन कि जो बच्चों में एलर्जी कंडीशंस होती हैं, यानी कि एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस या जो सीजनल टाइप की एलर्जी है जिसको हम बोलते हैं वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस या VKC या स्प्रिंग कैटार, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एलर्जी कंडीशंस में यानी कि वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कैटार में जो बच्चे दबाकर अपनी आंख को रब करते रहते हैं लगातार, सो इट हैज बीन सीन के रबिंग ऑफ आईज, अगर लगातार आप प्रॉपर मेडिसिन या दवाई नहीं डाल रहे और लगातार आप अपनी आई को रब करने में लगे हुए हो, तो रबिंग ऑफ आईज जो है इट हैज बीन सीन टू बी अ प्रूवन रिस्क फैक्टर फॉर मेकिंग योर कॉर्निया कॉनिकल, यानी कि केराटोकोनस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, दैट इज एक्वायर्ड या एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, और वो है रबिंग ऑफ आईज ऑब्वियसली एलर्जी कंडीशंस में।
सो इन सारी कंडीशंस में या इन सारी पैथोलॉजीज में आपका जो नॉर्मल कॉर्निया है जो कि स्फेरिकल था वो थोड़ा सा कोन की तरह बनना शुरू हो जाएगा, कॉनिकल बनना शुरू हो जाएगा, राइट। सो आपका जो नॉर्मल कॉर्निया है वो कोन की तरह कॉनिकल बनना शुरू हो जाएगा और एक कोन की तरह अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे को बल्ज करना शुरू कर देगा। अब ये जो बल्जिंग है ये कॉर्निया के सेंटर में भी हो सकती है, सेंटर से थोड़ा सा सराउंडिंग हो सकती है, जिसको हम पैरा सेंट्रल बोलते हैं, सेंटर के सराउंडिंग एरिया को पैरा सेंट्रल बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमनली पैरा सेंट्रल और इन्फीरियर जो पार्ट है कॉर्निया का उसमें ये बल्जिंग मोस्ट कॉमन होती है। सो दैट इज पैरा सेंट्रल एंड इन्फीरियर। अब ये देखा गया है कि ये जो पैथोलॉजी है ये जनरली प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है। सो द ऑनसेट ऑफ केराटोकोनस इज जनरली एट प्यूबर्टी, यानी कि 14 या 16 साल की एज में ये प्रॉब्लम शुरू होती है और ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। सो इट विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो कि अपने नेचुरल कोर्स में अराउंड 30 ईयर्स की एज पे जाके स्टेबल होती है। अगर हम डिजीज को नेचुरल कोर्स में स्टडी कर रहे हैं तो द ऑनसेट इज एट प्यूबर्टी एंड इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन जो कि 30 ईयर्स पे जाके स्टेबल होगी। सो क्वाइट ऑफन पेशेंट जो है आपके पास केराटोकोनस की कंप्लेंट से 14 साल की एज के बाद ही आएगा, यानी कि 14 साल से लेके रफली 20-25 साल की एज के बीच में आपके पास पेशेंट आएगा। अब जिस पेशेंट को केराटोकोनस है, यानी कि जिस पेशेंट का कॉर्निया कॉनिकल होता जा रहा है अपनी नॉर्मल शेप से, तो नेचुरली उसको क्या सिम्टम्स आएंगे, उसको विजन की प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो लेट्स से कि 16 साल की एज पे पेशेंट को, मेल या फीमेल कोई भी है, तो पेशेंट को केराटोकोनस होना शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे उसका कॉर्निया कॉनिकल होता जाएगा तो उसकी विजन जो है वो कम होती जाएगी। सो पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू विद डिक्रीज विजन, जो कि ऑब्वियसली कोन शेप होने की वजह से इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म में जाएगा। सो पेशेंट को इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म जो है वो होती रहेगी, जिसकी वजह से उसको डिक्रीज्ड विजन होगी और उसको सिलेंड्रिकल नंबर आएगा। सो अगर आप रिफ्रैक्शन करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो नंबर है वो मायोपिक ही होएगा। सो इट्स अ मायोपिक इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म, यानी कि पेशेंट को सिलेंड्रिकल नंबर लगेगा, लेट्स से -2 सिलेंडर या -3 सिलेंडर। और आप देखोगे कि बिकॉज ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है तो बड़ी जल्दी जल्दी, लेट्स से हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका ये जो रिफ्रैक्टिव एरर है ये बढ़ता जाएगा, और ये जो रिफ्रैक्टिव एरर है ये प्रिडोमिनेटली सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा। अगर सिंपल मायोपिया होगा तो ये जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो स्फेरिकल रहेगा, सिलेंड्रिकल एरर इतना नहीं होगा, पर केराटोकोनस में जो मेन प्रिडोमिनेंट रिफ्रैक्टिव एरर है वो सिलेंड्रिकल होगी और जो कि प्रोग्रेसिव है, और सिलेंड्रिकल नंबर उसका हर 2-4-6 महीने बाद बढ़ता जाएगा। तो पेशेंट की मेन जो कंप्लेंट है वो होगी डिक्रीज विजन, जो कि मेनली सिलेंड्रिकल है, और शुरू में ये जो विजन है चश्मे से या ग्लासेस से क्वाइट ऑफन अच्छी रहेगी, लेट्स से 6.9 या 6.6 तक रहेगी, पर जैसे जैसे डिजीज ज़्यादा प्रोग्रेस होगा नेचुरली विजन की जो क्वालिटी है वो भी कम होती जाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन में आप उसकी केराटोमेट्रिक रीडिंग लोगे या के रीडिंग लोगे तो वो वैल्यू भी नॉर्मली आपकी 44 से ज़्यादा आएगी। नॉर्मल जो के रीडिंग है वो अराउंड 42 या 44 डायोप्टर्स होती है केराटोमेट्रिक रीडिंग, पर केराटोकोनस पेशेंट में जो ये जो के रीडिंग है वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। अब कौन कौन से साइंस आपको देखने में मिलेंगे ऐसे पेशेंट्स में, ये हम कंटिन्यू करते हैं और क्लिनिकल स्लाइड्स कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो प्लीज कीप लिसनिंग।